हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सकरी की चाट दो तरीके से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 500 ग्राम शकरकंद। इनको मैंने पहले अच्छे से साफ पानी में धो लिया है, और फिर मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दिया था कुकर में, और मैंने इनको 5 से 6 सीटी आने तक उबाला है। जैसे कि हम आलू उबालते हैं, सेम उसी तरह से हमें इनको भी उबाल लेना है। मैंने इनको उबालने के लिए 1 कप पानी का यूज किया था, और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इनको इस तरह से छील लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारी सकरी को छील लिया है। अब हम इनको पीसेज में कट कर लेंगे। आपको जिस साइज के पीसेज पसंद है, छोटे बड़े, आप उसी साइज के कट करें। चलिए इसी तरह से हम अपने सारे पीसेज को कट कर लेंगे। ये देखिए, ये कट हो चुके हैं। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं 2 तरह की चाट बना रही हूँ, तो हम इनको 2 बाउल्स में हाफ हाफ कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा। अब ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून काला नमक, और साथ ही साथ ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इनको मिक्स कर देंगे, और ऊपर से डाल देंगे 2 टीस्पून ग्रीन चटनी। अब मैंने लिया है यहाँ पर ठंडा दही, ये बिल्कुल चिल्ड दही है, और मैंने 5 से 6 टेबलस्पून कर्ड का यूज किया है। इससे हमारी चाट एकदम से ठंडी वाली चाट बनेगी, और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगी। और अब ऐड करेंगे 2 टीस्पून लाल वाली खट्टी मीठी चटनी। मिला देंगे इन सारी चीज़ों को, जिससे कि मसाला सारे पीसेस पे अच्छे से कोट हो जाए, और इसको सर्व कर लेंगे एक बाउल में। और फिर से ऐड कर देंगे थोड़ी सी कर्ड, 1 चम्मच ग्रीन चटनी, और 2 से 3 चम्मच लाल वाली खट्टी मीठी चटनी। थोड़ा सा ऐड करेंगे सफ़ेद नमक, और 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। मसाले हमने पहले भी ऐड किए थे, बस हमने थोड़े वो कम क्वांटिटी में यूज किए थे, ताकि हम बाद में भी ऐड कर सकें। चाट को और भी ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ठंडी मसाला शकरकंद की चाट एकदम से बनकर रेडी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल शकरकंद चाट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ले लेंगे हम 1/2 बाउल चॉप स्वीट पोटैटो, जो हमने पहले ही अलग रख लिए थे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून चिंकी चाट मसाला, और ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और 1 चम्मच नींबू का रस। मिला देंगे इनको, और ऊपर से ऐड कर देंगे हम टमाटो केचप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रीट स्टाइल शकरकंद चाट सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो फ्रेंड्स, आप भी इन दोनों तरह की चाट्स को एक बार ज़रूर इंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चाट पसंद आई है। मुझे बच्चों को बहुत पसंद आती है, मुझे भी शकरकंद की चाट बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।